सेमुसी इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां प्रियच्छात्राणां स्वागतम्। छात्राः, वयम् अद्य पर्यावरणम् इति एकादश पाठस्य अभ्यासं पूर्णं करिष्यामः। अभ्यासतः पूर्वं भवन्तः पाठस्य शब्दार्थान् पश्यन्तु। एक बार शब्दार्थों को देख लीजिए, तो चैप्टर के जो शब्दार्थ आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, ठीक है बेटा, तो शब्दार्थों को आप एक बार देख लीजिए, इनको कॉपी में लिख लेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट पे। पहला प्रश्न क्या है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। संस्कृत भाषा में प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रकृते प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, यानी कि प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो हम सभी जानते हैं तितली, जल, पाल, गगन, समीरा, ठीक। तो लिखेंगे पृथ्वी, जल, पृथ्वी जलम तथा परम तेज वायु। पृथ्वी जल तेज वायु आकाशस्य, आकाशस्य, आकाशस्य कृते प्रमुखानि तत्वानि सन्ति, ठीक है। प्रकृतेः प्रमुखानि तत्वानि सन्ति, ठीक। इस तरीके से आपके पांच प्रमुख तत्वों के बारे में हमने लिखा। अगला प्रश्न कहता है कि ख, स्वार्थांधः मानवः किं करोति, स्वार्थ में अंधा हुआ मानव क्या करता है। तो स्वार्थांधः मानवः, स्वार्थांधः मानवः किं करोति, स्वार्थांधः मानवः प्रकृतिं नाशयति, तदेव पर्यावरणं अध्यनाशयति। स्वार्थांधः मानवः पर्यावरणं नाशयति, पर्यावरण को ही क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का हनन कर रहा है, ऐसा मानव। अगला है पर्यावरणे विकृते जाते किं भवति, यानी कि अगर पर्यावरण विकृत हो जाता है तो क्या होता है, तो बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं और भीषण समस्या उत्पन्न होती है। तो पर्यावरणे विकृते जाते, पर्यावरणे विकृते जाते किं भवति, विविधाः रोगाः, विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च, भीषण समस्याः च, समस्याश्च जायते उत्पन्न होती है, ठीक है, इससे पर्यावरण के विकृति यानी कि बिगड़ने पर। अगले पे चलते हैं प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ कहता है कि अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथम करणीया, किस तरीके से करेंगे हम पर्यावरण की रक्षा। तो प्रकृति को सुरक्षित करके या पर्यावरण को सुरक्षित रख के ही हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो अस्माभिः हमारे द्वारा प्रकृतिम, ठीक है, कोष्ठक में पर्यावरण भी कह सकते हैं इसी को,
सुरक्षितं कृत्वा पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। पर्यावरणस्य रक्षा करणीया, ठीक है। प्रश्न नंबर अगले 9 पे चलते हैं। लोक रक्षा कथम संभवति, ठीक है। प्रकृति रक्षेव, तो करेगी प्रकृति की रक्षा से ही, प्रकृति रक्षयैव, रक्षया एव, ठीक है, रक्षया एव, रक्षा के द्वारा ही लोक रक्षा संभवति, लोक रक्षा संभवति। चौथा प्रश्न कहता है कि परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति। अगर शुद्ध पर्यावरण होगा तो वह क्या क्या देगा, तो परिष्कृतम पर्यावरणम लिखेंगे, परिष्कृतम, अगला जो प्रश्न है, ठीक है, पर्यावरणम परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम, हम सभी के लिए, अस्मभ्यम किम किम ददाति, सांसारिकम जीवन सुखम, सबसे पहले सांसारिकम जीवन सुखम, सभी प्रकार का जीवन का सुख, सुखम ददाति, ठीक है। सद्विचारम ददाति, अच्छे विचार, यानी कि अच्छा सोच, अच्छा विचार, सद्विचारम, आगे सत्य संकल्पकम, सत्य संकल्पम, सत्य संकल्पम, मांगलिक सामग्रीं च, फिर है मांगलिक सामग्रीं च, च प्रददाति, ठीक है। तो मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति, तो मांगलिक सामग्रियां भी, यही जो पर्यावरण होता है, परिष्कृत पर्यावरण, जो यानी कि कौन सा शुद्ध जो पर्यावरण है, वही हमें क्या देता है, ये सारी चीजें प्रदान करता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपके प्रश्न नंबर पहला पूरा हो गया अभी, ठीक। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। अब एक बार आंसर को देख लीजिए सभी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। क्या कहता है प्रश्न नंबर 2 की, प्रश्न निर्माणम कुरुत, ठीक है। तो प्रश्न निर्माण हम करेंगे, तो प्रश्न निर्माण किस आधार पर होगा, शब्दों के आधार पर हम क्या करेंगे, प्रश्नों का निर्माण करने का प्रयास की करेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, स्थूल पदाने आधृत्य, यानी कि जो स्थूल पद हैं उनके आधार, प्रश्न आपके उत्तर आपके सामने है, केवल प्रश्न बनाना। तो वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, यानी कि जो जंगल में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, निर्विवेकम, यानी कि इतना भी विवेक नहीं है हमें कि ये वृक्ष काटने से हमारा भला होगा कि नहीं होगा, ये सब सोचे बिना ही हम क्या कर रहे हैं, छिद्यन्ते, काटे जा रहे हैं। तो वन वृक्षाः शब्द है जिसका हमें प्रश्नवाचक शब्द बनाना है, ठीक है। तो वृक्षाः आह लास्ट में आया है, तो और वृक्ष शब्द पुल्लिंग है, इसलिए हमने क्या बनाया प्रश्न, के छिद्यन्ते, के निर्विवेकम छिद्यन्ते, ठीक है।
अगला है वृक्षकर्तनात् शुद्ध वायुः किं भवति न प्राप्यते। कर्तनात् जिसके लास्ट में आय आत आए उसमें हम प्रश्न क्या बनाते हैं, कस्मात्। ठीक है, तो कस्मात्, ठीक है, आत है तो इसलिए कस्मात् प्रश्न बनाया। अगला है प्रकृति ही जीवन सुखम प्रददाति, यानी कि जो प्रकृति है वो हमें क्या देती है, जीवन का सुख देती है। जीवन सुखम शब्द है, ठीक है, जीवन सुखम अम किम ददाति, क्या देती है, ये किम प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पद है मातृगर्भे, यानी कि अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति। मातृगर्भे, माता का गर्भ क्या है, स्थान है ना, तो स्थान सूचक शब्द के लिए क्या आता है, कुत्र। ठीक है, यहाँ पर कस्मिन भी आ सकता है लेकिन कुत्र ज्यादा सही है। ठीक है, आगे है पर्यावरण रक्षण धर्मस्य अंगम अस्ति, धर्मस्य तो धर्मस्य मतलब अस्य आया, तो प्रश्न बनाएंगे कस्य। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न हमने हल किया। ओके, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। ठीक है, जैसे उदाहरण अनुसृत्य पद रचना कुरुत, तो उदाहरण के अनुसार से हमें क्या करनी है, पदों की रचना करनी है, एक पद बनाना है, अनेक पदों का एक पद बनाना है। जैसे इसने लिखा जले चरंती थी जलचराह, ठीक है, जो जल में विचरण करते हैं, जल में रहने वाले जलचर कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे चल रहे हैं हम, ये सभी कहीं ना कहीं क्या है, समस्त पद यानी कि समास विग्रह है। ठीक है, समास क्या होता है, जहां अनेक पदों का एक पद में ही संक्षेपीकरण कर दिया जाता है वो समास कहलाता है, और एक पद का अनेक पदों में विग्रह करना विग्रह कहलाता है, यानी कि उसको बांटना, व्यास करना, उसको बढ़ाना, सब विग्रह कहलाता है। ठीक है बेटा, तो हम चलेंगे, तो पहला वाला है स्थले चरंती थी, तो स्थले चरंती थी स्थलचराह, जैसे देखो अगर स्थले चरती थी होता तो स्थलचराह एक वचन, लेकिन यहां पर क्या है, बहुवचन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए स्थलचराह। ठीक, अगला है निशायां चरंती थी, यानी कि रात्रि में जो चलते हैं निशाचराह, ठीक है, यानी कि रात में ही विचरण करते हैं, दिन में सो जाते हैं उल्लू की तरह। ठीक है, ऐसे निशाचर रात को 12-12 1-1 बजे तक जो जागे रहते हैं, ठीक है, फिल्में देखते हैं, टिकटॉक चलाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ठीक है, तो रात्रिचर नहीं बनना है, दिवाचर बनना है, दिन में हम जागे रहे, रात क्या होती है, सोने के लिए होती है। ठीक है, तो व्यर्थ में अपना समय और ठीक है धन सभी कुछ हमारा उसमें व्यर्थ में जा रहा है, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, तो निशाचर नहीं बनना है, दिवाचर बनना है। तो निशाचर तो कौन होते हैं, उल्लू होते हैं। तो अगला है व्योमनी चरंती थी, व्योम कहते हैं आकाश में। ठीक है, तो व्योमनी चरंती थी, व्योम में आचरण करते हैं जो व्योम चराहा, इसको गगन चराहा भी कहते हैं। ठीक है, व्योम चराहा, व्योम चराहा, इस तरीके से आगे गिरव, गिर मतलब कहते हैं पर्वतों पर जो आचरण करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, ठीक है, वहीं तपस्या करते हैं, तो इस तरीके से गिरव चरंती थी गिरिचराह, गिरि मतलब पर्वत। ठीक है, गिरिचराह। अगला पद भूमौ चरंती थी, भूमि पर जो विचरण करते हैं ऐसे भूमिचराह, भूमि शब्द मूल शब्द हो गया, इसमें चराह शब्द जोड़ देंगे क्योंकि चरंती थी बहुवचन है। ठीक है, तो इस तरीके से भूमिचराह। आगे कौन सा नपुं बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग देखेंगे, न पेयम इति, जो पीने योग्य नहीं है इति अपेयम, ठीक है, कहते हैं ना अपेय है, अपेय मतलब जो पीने योग्य नहीं है। ठीक है, इसी का फर्स्ट थर्ड का क है, ठीक है, इसको ख में लिखेंगे,
तो न पेयम इति अपेयम, उसी न वृष्टि इति अवृष्टि ही, जब वृष्टि नहीं हुई तो यानी कि अवृष्टि है। ठीक, आगे न सुखम इति असुखम, दुखम भी कहते हैं ठीक है, उसको असुखम भी कह सकते हैं। न भाव इति अभाव, जहां भाव नहीं है वो ही तो अभाव है। ठीक है, अगला न पूर्ण इति अपूर्ण, तो ये आपका तीसरा प्रश्न भी पूरा होता बेटा। ठीक है, आप चलते हैं चौथे वाले प्रश्न पे। उदाहरण अनुसृत्य पद निर्माण करो, तो प्रकृति प्रत्यय है। ठीक है, तो प्रकृति प्रत्यय लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखते हैं। वी धन क्री धन तिन पद रचना की, यानी कि तीन चार शब्द थे, उसमें किसी एक शब्द था वो धातु थी, उसमें प्रत्यय लगाया, उससे जुड़ करके एक शब्द बना विकृति ही। विधन क्रीधन तिन, तो तिन जो प्रत्यय है, ये जो तिन प्रत्यय है ठीक है, इसका शब्द क्या बनता है ति, जैसे गम धन तिन गति ही, प्रधन क्रीधन तिन प्रकृति ही, ठीक है, गति ही मति ही, इस तरीके से शब्द बन गए। ठीक है, तो पहला है प्रौधन गम धनक तिन, जैसे प्रौधन क्री धनक तिन प्रकृति ही बना, उसी प्रकार से प्रौधन गम धन तिन शब्द है। इन दोनों को मिला करके प्रगति का यहां पर ले लेंगे, प्रगति ही बन जाए, शब्द क्या बनेगा प्रगति ही। अगला लेते हैं दृश्य धनक, दृश्य धातु है देखने के अर्थ में, और तिन प्रत्यय लग जाएगा इसमें, तो क्या बनेगा दृष्टि ही, ठीक है। अगला गम धन तिन, गम का ग तिन का ती, तो बन जाएगा गति ही प्रगति ही दृष्टि ही गति ही, ठीक है। आगे मन धातु है, तीन प्रत्यय है, नौ को हटा दीजिए, मौ को जोड़ दीजिए ती के साथ, तो मति ही बन जाएगा शब्द मति, ठीक है, गति मति बुद्धि, ये सारे शब्द इसी से बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर है समधन तीन, इसमें क्या है मो के स्थान पर क हो जाता है, तो बन जाएगा शक्ति ही, सम धातु शक्ति ही शब्द बनता है, शक्ति ही कोई शब्द बनता नहीं है। ठीक है, भी धन ही, भी मतलब डरना, ठीक है, और तिन प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया भीति ही डर। उसके बाद अगला पद है जन धन तिन, जन से क्या बनती है जाति ही, ठीक है। फिर है भज धन ही, वैसे ही जैसे सम में क हुआ वैसे ही यहां भी भज में जो जौ है उसको क हो जाएगा, ठीक है, भज धन तिन तो बन जाएगा भक्ति ही, ठीक है, जिसके लास्ट में आपको ति ही दिखाई दे समझो वहां पर तिन प्रत्यय है। ठीक है, निधन तिन, नी ले जाने के अर्थ में धातु है, तिन प्रत्यय क्या बन जाएगा नीति ही, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर चौथा भी तिन प्रत्यय वाला, जिससे पद निर्माण हमने किया यह पूरा हुआ। ठीक है बेटा, तो इससे आगे पांचवे से लेकर के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसको फिर अगले दिन हम पूरा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, भवतां दिनं शुभं भवतु।